हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी कि यूट्यूब ने सभी को मौका दिया है अपनी वीडियो को सेल्फ सर्टिफाइड करने का, यानी खुद से सर्टिफाइड कीजिए अपनी वीडियो को। और जो मोनेटाइजेशन की सेटिंग है उस पर आप खुद से सर्टिफाइड करके अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। तो यूट्यूब ने ये मौका केवल उन क्रिएटरों को दिया जिनके यूट्यूब का चैनल मोनेटाइजेशन ऑन है। तो क्या क्या जानकारी यूट्यूब से हमें मिली है मेल के जरिए, सारा कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए में, और आपको पूरा बताने वाले हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन कैसे करना है, अपनी वीडियो को सर्टिफाइड कैसे करना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन को दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया गया है उन क्रिएटरों पर जिनका चैनल मोनेटाइज है, यानी जिनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है। ठीक है, इनका चैनल का मोनेटाइजेशन है, उन पर सेल्फ सर्टिफिकेशन का मेल यूट्यूब द्वारा भेज दिया गया है। मेरे पास भी आ चुका है, आपके पास भी आ जाएगा अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है। तो इसे क्यों किया गया है कि इसके दो कारण हैं। एक तो चैनल का जो आपके वीडियोज़ होते हैं उनके जो टाइटल होता है प्लस आपके वीडियो का कंटेंट, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सर्टिफिकेशन को लागू किया गया है। यानी कि आप खुद से अपनी वीडियो को मोनेटाइज करेंगे और आपको वीडियो में अगर कोई ऐसा कंटेंट लगता है कि यार ये पहले कॉपी किया गया या पहले हो चुका यूज़, या आपका टाइटल या थोड़ा बहुत भी यूज़ हो चुका है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ पॉइंट्स वहाँ पर ऐसे दिए हैं जो मैं आपको वीडियो में कंप्यूटर के द्वारा पूरा समझाऊंगा आगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, किन किन पॉइंट को आपको चूज़ करना है अगर आपके वीडियो में इन इन तरह के कंटेंट शामिल है। तो अगर नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल मैं आपको सारा कुछ शेयर करने वाला हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो पहले मैं ये बता दूं, अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है तो ही ये आपको मिलेगा, क्योंकि जिनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है नहीं है उनको ये सर्टिफिकेशन का मेल नहीं आया होगा। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जिनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है उन्हें ही ये मौका मिल रहा है अपनी वीडियो को खुद से मोनेटाइजेशन ऑन करने का। और इसमें अगर आप खुद से मोनेटाइज करेंगे तो YouTube को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी वीडियो को चेक कर रहे हैं, यानी कि आप चेक कर कर ही ये कदम उठा रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई गलती निकलती YouTube की पॉलिसी के विरुद्ध, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, यानी स्ट्राइक लगा दी जा सकती है आपके चैनल पर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्टिफिकेशन का उपयोग करें और अपनी वीडियो को पूरा चेक कीजिए, शुरू से आखिर तक टाइटल को चेक कीजिए, आपके वीडियो में कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं है जो पहले यूज़ किया गया है, या कुछ बातें ऐसी जो आपने पहले बता दी फिर से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सारी जानकारी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर बताते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने और क्या नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि जो सेल्फ सर्टिफिकेशन के जो ऑप्शन है वो किस तरीके से हमें सिलेक्ट करने। पहले तो मैं आपको मेल बता देता हूँ जो कि मेरे पास आ चुका है। ये देखिए, हमारा सेकंड नंबर का मेल है जो कि YouTube ने हमें सेंड किया है, हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है, इसलिए यहाँ पर हेवन नायक जी, सेल्फ सर्टिफिकेशन इज नाउ लाइव फॉर योर चैनल। ठीक है, यहाँ पर उसकी कुछ डिटेल्स रहती हैं, तो हम आपको पूरा समझाने के लिए डायरेक्ट चलते हैं हमारे चैनल पर, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई भी एक वीडियो अपलोड करना होगा, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे और पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, हमने एक वीडियो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर वीडियो की जो प्रोसेस रहती है, अपलोडिंग प्रोसेस, सेकेंड टाइम यहाँ पर मोनेटाइजेशन, तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना होता है ऑन या ऑफ। जैसे ही हम ऑन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है वो एड सुटेबिलिटी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का पॉइंट है वो हमें यहाँ पर क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जब हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर 8 पॉइंट है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद एक 9 पॉइंट है, इसमें हमें नॉन ऑफ द अबव, अगर आपके वीडियोस में इन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट आपका इन से मिलता है तो देखिए इसमें 2 पॉइंट है, इसके बाद इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इन्हें समझने के लिए अगर आप चाहें तो ट्रांसलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको आपको समझना है। इनसे रिलेटेड अगर आप कोई भी कंटेंट आपके वीडियो में शामिल है तो इन पर आपको टिक करना है। ठीक है, ये देखिए जैसे कोई भी पॉइंट है
तो इन्हें आपको टिक करके रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे चैनल पर करके रखा आपको शो करने के लिए, तो मैं आपको शो कर देता हूं कि मैंने किस तरीके से एक ऑप्शन लिया। उसके बाद हमें जो मोनेटाइजेशन की प्रोसेस रहती है किस तरीके की शो होती है। जाते हैं हमारे चैनल पर और आपके साथ शेयर करते हैं वो चीज़ भी जो कि हमने की है खुद से। तो देखिए, जैसे ही हमारे चैनल का डैशबोर्ड ओपन होगा हमें वीडियोस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, ये देखिए जो मैंने वहाँ से एक पॉइंट लिया है वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये देखिए यहाँ पर मेरा जो डॉलर का साइन है वो येलो हो चुका है क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसे ऑन नहीं किया। एक पॉइंट आपको दिखाने के लिए कि आपके पास भी अगर आप अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन का उपयोग करते हैं तो आपके पास येलो डॉलर का साइन आएगा। उसके दो या तीन दिन बाद आपका वीडियो अगर अवेलेबल होगा एड्स के लिए तो यहाँ पर ये देखिए ग्रीन डॉलर हो जाएगा। तो आप अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन लेते हैं तो आपको इस तरीके का येलो डॉलर मिलेगा। उसके बाद अगर आपका वीडियो चैनल यानी जो आपका वीडियो है वो एड्स के लिए सुटेबल रहेगा, उसके बाद ही आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इन आठों पॉइंटों को आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि आपके वीडियो में इनसे रिलेटेड कोई कंटेंट है, तो आपको सिर्फ टिक करना है। इसके आधार पर जो यूट्यूब हमें परमिशन देगा हमारे वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन करने की नहीं। अगर आप उनकी पॉलिसी के विरुद्ध इसमें कोई कंटेंट शामिल करते हैं तो आपके वीडियो पर मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। ये आठों पॉइंट आपको बिल्कुल समझ लेना है ट्रांसलेटर के जरिए, बड़ी आसानी से समझ पाएंगे आप। तो इनको क्लियर करके ही आप आगे बढ़ें, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉन ऑफ द अबाव, ठीक, जिस इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो मोनेटाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपके अगर नॉन ऑफ द अबाव करते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, क्योंकि आप क्लियर रहेंगे अपने वीडियो को लेकर कि आपके जो वीडियो में वो कंटेंट किसी भी तरह का शामिल नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे विजिबिलिटी की तरफ और यहाँ पर आप पूरा पब्लिश कर पाएंगे अपने वीडियो को। लेकिन एक बात फिर से बता दूं, यहाँ पर जो आठों पॉइंट है उन्हें क्लियर करके ही आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आप अपने वीडियोस पर मोनेटाइजेशन ऑन कर पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर कोई कंटेंट शामिल होता है इनसे रिलेटेड तो आप उन पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हमने आपको बताया और आप समझ भी पाए। अगर आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे ये और आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, अगर आप खुद से अपनी वीडियो को सर्टिफाइड करना चाहते हैं मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए तो इन इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इसे बारीकी से समझना चाहते हैं तो जो मैंने पॉइंट बताए उनकी डिटेल को जाकर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और अच्छे से भी समझ सकते हैं अपनी वीडियो के बारे में कि क्या हमने हमारी वीडियो में यूज़ किया क्या नहीं किया है, कौन सा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। तो आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश कम आती है तो बिल्कुल आप ट्रांसलेट करके उसे हिंदी में भी समझ सकते हैं क्या क्या जानकारी आपके वीडियो में बताई जा रही है, आपका मोनेटाइजेशन डायरेक्ट ऑन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी वीडियो को सर्टिफाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो में कोई कंटेंट ऐसा नहीं है कि जो यूज़ किया गया या फिर इस पर कार्रवाई की जा सकती है, अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसे डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जानकारी आपके साथ आज शेयर करनी थी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बाय।